जो व्यक्ति इन साधनों को इस्तेमाल करना सीख लेता है अपनी इच्छा से, कुशलता से, वो स्वाभाविक रूप से एक असरदार मनुष्य बन जाएगा। इंसान एक संभावना है, आप इसे एक ऊंची संभावना बना सकते हैं। अगर ऐसा होना है तो हमें साधनों पर थोड़ी धार देने की जरूरत है। साधना पद का मतलब है साधन यानी उपकरण, पद यानी वो समय जब हम साधन तैयार करते हैं। हमारे पास कौन से औजार हैं? अगर आपका स्क्रू ढीला है तो शायद आप एक पेचकस या पाना लेकर चलें। Otherwise, as a human being, the only tools that you have is your body, your mind and your energies. These are all the tools you have. वरना एक इंसान के रूप में आपके पास जो औजार हैं वे सिर्फ आपका शरीर, मन और आपकी ऊर्जाएं हैं। आपके पास यही साधन है। जो व्यक्ति इन साधनों का इस्तेमाल करना सीख लेता है अपनी इच्छा से, कुशलता से, वो स्वाभाविक रूप से एक असरदार मनुष्य बन जाएगा। जो व्यक्ति शरीर या मन या ऊर्जाओं का सचेतन और अच्छा उपयोग करना नहीं सीखते वे हमेशा सोचेंगे दुनिया में नाइंसाफी है, ओह दूसरे भाग्यशाली हैं, मैं उससे ज्यादा बुद्धिमान हूं, पर सभी उसका साथ देते हैं। हम हमेशा यही कहानियां सुनते हैं। आप अपने जीवन में असफल होकर कई कारण और फिलॉसफी बता सकते हैं, या आप एक सफल मनुष्य हो सकते हैं। बस यही दो तरीके हैं, बस यही विकल्प है जिन्हें अपने आप में या दुनिया में सफलता नहीं मिलती, उन्हें हमेशा शिकायत होती है। मैं ऐसा इसलिए हो गया हूं क्योंकि मेरे पिता का बर्ताव मेरे साथ अच्छा नहीं था। जब आप ऐसे हैं तो वे आपके साथ अच्छा बर्ताव कैसे करेंगे? मैं आपके साथ कठोर होने की कोशिश नहीं कर रहा, पर अगर आप बचपन में ही शैतान और खराब हैं तो आपके पिता दोगुने कठोर और खराब होंगे। मैं उनकी उम्र के हिसाब से कह रहा हूं। हेलो, उन्होंने आपसे ज्यादा जीवन देखा है ना? हेलो, शायद जीवन ने उनको आपसे कहीं ज्यादा परेशान किया हो और उन्हें आपको भी झेलना पड़ा। ये एक चीज, अगर आप साधना करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में इन तीन बुनियादी उपकरणों शरीर, मन और ऊर्जा का उपयोग करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज हम आपके भीतर इसे उतार रहे हैं इनर इंजीनियरिंग के पहले दिन से ही, कि मेरे भीतर बाहर जो कुछ भी होता हो, अच्छा होता हो, बुरा होता हो, सुंदर चीजें होती हों, घिनौनी चीजें होती हों, जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है? हेलो, क्या आपने अपने भीतर यह समझ लिया है? अगर सफलता मिलती है तो वजह मैं हूं, अगर नहीं मिलती तो भी वजह मैं हूं। क्या आपने यह समझ लिया है? सद्गुरु, हमें लगा कि ये काम आप हमारे लिए करेंगे।
व्यक्ति को अपने जीवन में इसे जल्दी ही ठीक कर लेना चाहिए कि आप खुद अपने जीवन में कभी समस्या ना बने। आपका शरीर, आपका मन, आपकी ऊर्जाएं कभी समस्या ना बने। बाहर कुछ समस्याएं होंगी, पर हम उन्हें संभाल सकते हैं अगर ये कोई समस्या ना हो। आपके जीवन की हर चुनौती में जब यही एक समस्या होगा तो आप सिर्फ चुनौतियों से दूर भागेंगे। अगर आप चुनौतियों से भागेंगे तो जीवन की सभी संभावनाओं से चूक जाएंगे। आप बस तायर सदम बनकर रह जाएंगे। क्या वो आपको तायर सदम दे रहे हैं? उम्मीद करता हूं नहीं दे रहे। सबको पता है कि ये आलस पैदा करता है। तमिलनाडु में प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल से टीचर्स हमेशा देखते हैं कि अगर कोई सुस्त है तो वे कहते हैं, जिसका मतलब है क्या तुम दही चावल खाकर आए हो। तो वे जानते हैं कि यह सुस्ती पैदा करता है, पर सिर्फ विद्यार्थी ही खाकर नहीं आते, शिक्षक भी खाकर आते हैं। तो सुस्ती एक शानदार चीज है। ये कई समस्याओं से बचाती है, क्योंकि आपको यह भी पता नहीं होता कि कोई समस्या भी है। ये देखने के लिए थोड़ी बुद्धि चाहिए कि क्या गलत है। सब कुछ ठीक है। समस्याओं से मुक्त रहने के दो तरीके हैं। किसी ने कहा है, मुझे याद नहीं किसने, पर यह कहा है, फरिश्ते समस्याओं से अछूते होते हैं उनकी प्रतिभा के कारण, और जानवर समस्याओं से अछूते होते हैं प्रतिभा की कमी की वजह से। पर इंसान बीच में झूलता रहता है और संघर्ष करता है, क्योंकि वो अभी भी एक संभावना है, अभी एक वास्तविकता नहीं बना। इंसान एक संभावना है। आप इसे एक ऊंची संभावना बना सकते हैं, या आप इसे निचली संभावना तक धक्का दे सकते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे से अपने शरीर, मन और ऊर्जाओं का प्रयोग कर सकते हैं। क्या आप उनका प्रयोग करेंगे या क्या वे आपका उपयोग करेंगे, ये एक सवाल है। जब मैं कहता हूं कि वे आपका उपयोग करेंगे, तो बिना किसी पूर्व धारणा के, बिना लोगों को नीचा समझे, बस ध्यान से देखिए, लोगों के जीवन में क्या प्रतिबद्ध है। धरती के ज्यादातर लोगों की जिंदगियां उनके शरीर, उनकी मानसिक जरूरतों, भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने की ओर प्रतिबद्ध है। बस यही है। हेलो, उनके पूरे जीवन का आयोजन बस इसी के लिए है। आप इसे बिजनेस कह सकते हैं, करियर कह सकते हैं, परिवार कह सकते हैं, घर कह सकते हैं, पर सिर्फ जरूरतें पूरा करने के लिए, शारीरिक और मानसिक जरूरतें, पूरे जीवन का बंदोबस्त किया जाता है ना। कृपया आप मुझे बताइए, मैं आपकी राय से चलूंगा। आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा, यह सही है। ये शरीर विज्ञान और ये मनोविज्ञान यहां आपकी सेवा के लिए है या आप उनकी सेवा के लिए? वे हमारी सेवा के लिए हैं। बट मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स आर सर्विंग देम देयर एंटायर लाइफ। पर ज्यादातर मनुष्य उनकी सेवा कर रहे हैं पूरी जिंदगी। नाश्ता खाते समय वे दोपहर के भोजन की योजना बना रहे होते हैं। दोपहर का भोजन करते समय वे रात के खाने की योजना बनाते हैं। तो बस खाने, मकान, सुरक्षा, एक दूसरे के प्रति भावनाओं की बातें होती हैं।
वाकई पूरा जीवन बस शारीरिक और मानसिक जरूरतों के इर्द गिर्द घूमता है। इसे ही सामान्य जीवन कहा जाता है। तो मेरा इरादा है कि आप असामान्य हो जाएं, कि आप अपने शरीर और मन का उपयोग करके इस जीवन का विकास करें, जीवन को गुलाम ना बनाएं। अगर ऐसा होना है तो हमें साधनों पर थोड़ी धार देने की जरूरत है, नहीं तो सुबह 5 बजे शरीर कहता है बकवास, चुपचाप सो जाओ। मैंने सोचा जो लोग मरना चाहते हैं वे ऐसे होते हैं, पर जो लोग जीना चाहते हैं वो ऐसा क्यों करेंगे? हेलो, जो लोग मरना चाहते हैं वे अपनी आंखें बंद करेंगे, जो लोग जीना चाहते हैं उन्हें सूरज की पहली किरणें देखने के लिए उठ जाना चाहिए, इससे पहले कि किरणें धरती तक पहुंचे। आपको सबसे पहले सूरज की किरणों को देखना चाहिए, ना कि कीड़े मकौड़ों को, ना कि पक्षियों को, ना कि घास की पत्तियों को। आपको सूरज की किरणों को देखना चाहिए। रोज अगले 2 सप्ताह के लिए सूरज की पहली किरणें अपने शरीर पर पड़ने दीजिए और देखिए क्या होता है। आप एक बिल्कुल अलग जीवन जिएंगे।